क्या कर रही हो? तुमने तो ये पिछले साल आम के पेड़ लगाए थे, अब ऐसा क्या हुआ जो तुम इन्हें काट रही हो? मनु, तुम फिर आ गई मेरा सर खाने। और मैं इस पेड़ को बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इनकी कटिंग करके मैं इनको शेप मिला रही हूँ। इसे प्रूनिंग कहते हैं। अब ये प्रूनिंग क्या होती है वही तो मैं अपने व्यूअर्स को बताने जा रही थी, पर तुम आ गई। अब तुम भी जाओ और मेरी वीडियो देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा, वीडियो बना रही हो? आप लोग इसकी वीडियो को डिसलाइक करिए। हाँ, यहाँ से आप इसकी बातों पे मत ध्यान दे, ये तो वैसे ही अनाप शनाप बोलती है। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। आम की हाइडन सिटी प्लांटेशन में प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है? क्या बिना प्रूनिंग के हाइडन सिटी प्लांट को मैनेज नहीं किया जा सकता? चलो मैं आपको एक पौधा दिखाती हूँ। इसको हमने बीच से काट दिया है, मतलब प्रून कर दिया है। अब क्या इसकी ग्रोथ रुक जाएगी? आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं अदिति, इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आम की हाई डेंसिटी प्लांटेशन में प्रूनिंग मस्ट है, इसको आपको करना ही करना है, बिना इसके छुटकारा नहीं है। चलिए मैं आपको गिनाती हूँ प्रूनिंग से होने वाले फायदे। प्रूनिंग से हम पौधे को मनचाहा शेप दे सकते हैं और उसकी ब्रांचेस को भी हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में पौधे बहुत पास पास रहते हैं, अगर हम उसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो एक पौधे की ब्रांच दूसरे पौधे के कैनोपी में जाने लगेगी। अगर प्रूनिंग ना की जाए तो पौधे की ब्रांच किसी भी दिशा में बढ़ती चली जाएगी और उसका बैलेंस भी सेंटर पर नहीं रहेगा। अगर तेज आंधी तूफान आए तो पौधा टूट भी सकता है। प्रूनिंग से पौधे का ट्रंक यानी तना मोटा रहता है, जिसके कारण यह पौधे को अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप इन पौधों को देखिए, आपको इसी तरह का ट्रंक डेवलप करना है। प्रूनिंग नए ब्रांचेस की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। देखिए, हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी और अब इसमें नई ब्रांचेस भी निकल रहे हैं। प्रूनिंग से हम पौधे को एक छाते जैसा आकार देते हैं। हाइडन सिटी में पौधे की ब्रांचेस हमारे रिच में रहती हैं, जिससे पौधों में फर्टिलाइजर और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए दवा आदि का छिड़काव बहुत आसान हो जाता है। प्रूनिंग से हम पौधे को इतना घना नहीं होने देते हैं कि सनलाइट अंदर की ब्रांचेस तक जा ही ना सके। इसमें पौधे के सेंटर पार्ट के ब्रांचेस को कट करके सेंटर ओपन कर देते हैं, जिससे धूप पौधे के हर एक पार्ट तक जा सके और पौधे में बीमारी लगने का खतरा काफ़ी हद तक कम किया जा सके। कटिंग करने से पौधे छोटे रहते हैं और जब उन पर फल आते हैं तो उनकी बैगिंग करने में भी आसानी रहती है, वरना हमें सीढ़ी या उस पर चढ़ने की ज़रूरत पड़ती। और बैगिंग करने से कीड़ों का अटैक भी कम रहता है और फल भी सुंदर रहते हैं। और जब पेड़ छोटे रहेंगे तो फल तोड़ने में भी आसानी रहेगी। मैंगो की हाइडन सिटी प्लांटेशन में प्रूनिंग या कटिंग के फायदों के बारे में जाना। आगे आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग है, जिनमें हम जानेंगे पौधों की प्रूनिंग कैसे करते हैं, इनकी प्रूनिंग करने का सही समय क्या है। इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाए।